गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में खटपट शुरू हो गई है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल पार्टी से बेहद खफा हैं। इतने कि उन्होंने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष की तुलना ऐसे दूल्हे से कर दी जिसकी नसबंदी शादी के बाद करा दी गई हो। कांग्रेस के काम करने के तौर तरीकों से नाराज हार्दिक पटेल ने बीजेपी की तारीफ भी की। असल में लंबे वक्त से नरेश पटेल के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा है। इतना ही नहीं, नरेश पटेल को सीएम कैंडिडेट बनाने की भी चर्चा है, लेकिन अब तक नरेश पटेल कांग्रेस में शामिल नहीं हो सके। हार्दिक की नाराजगी इसी बात को लेकर है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने निर्णय तुरंत लेती है, अगर किसी को पार्टी में शामिल करना होता है तो वे तुरंत फैसला कर लेते हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान अभी तक नरेश पटेल पर कोई फैसला नहीं कर सकी है। हार्दिक पटेल ने कहा कि मैं कांग्रेस से अपील करता हूं कि आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी समाज का अपमान न करें। कांग्रेस के कुछ नेता मीडिया के सामने आकर बयान देते हैं कि नरेश पटेल ने पार्टी के सामने शर्त रखी है, जबकि उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है। पटेल ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के बयान आए दिन मीडिया में आते हैं, इसकी वजह से नरेश पटेल का अपमान हो रहा है। यह पाटीदार समाज नहीं सहेगा, यह रुकना चाहिए। हार्दिक पटेल ने कहा कि गुजरात में पिछले 27 सालों से लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि यह पार्टी हमें सुरक्षा और सारी सुविधाएं दे पा रही है। इसके चलते लोग भाजपा को लगातार वोट दे रहे हैं और अब आम आदमी पार्टी भी गुजरात में आ रही है। उनको कितनी सफलता मिलेगी उसकी भविष्यवाणी तो हम नहीं कर सकते, पर गुजरात के लोगों को जो पार्टी सही लगेगी वह पार्टी इस चुनाव में मजबूत होगी। हार्दिक पटेल ने कहा कि गुजरात कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष का मतलब शादी के बाद दूल्हे की नसबंदी कराने के बराबर होता है। हार्दिक ने आरोप लगाया कि पार्टी में बड़े नेताओं की गुटबंदी के कारण हमें भी बराबर अपमानित किया जाता है। हार्दिक ने कहा कि गुजरात और दिल्ली के कांग्रेस के नेता में निर्णय शक्ति का अभाव है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जगदीश ठाकुर ने हार्दिक पटेल के नरेश पटेल के आरोपों पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि हम पहले दिन से नरेश पटेल को आमंत्रित कर रहे हैं। ठाकुर ने आगे कहा कि हमने मीडिया में पटेल के निवेदन को सुना है और इसे लेकर हमें बस इतना ही कहना है कि कुछ बातें मीडिया में नहीं कहनी होती हैं। कांग्रेस ने किसी का भी अपमान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि नरेश पटेल को तय करना है कि उनको किस पक्ष में जाना है। जब तक नरेश पटेल यह तय नहीं कर लेते तब तक प्रदेश कांग्रेस कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।